बस्मिल्ल रमन लेक्चर नंबर ट्वेंटी फाइव की प्रिपरेशन करेंगे तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमने जो ए, हमारे नोट्स हैं उसके अंदर एग्जांपल दी हुई है एक उसको हमने जो है वो रीड करना है समझना है और उसके एग्जांपल के अंदर जो क्वेश्चन शॉर्ट्स बनते हैं मैंने आपको सिर्फ वही प्रिपेयर करवाने हैं अदरवाइज में जो लें, बहुत लेंथी है वो चीज़ें नहीं सिखानी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है जिनके कॉन्सेप्ट हमारे लिए ज़रूरी नहीं है तो सबसे पहले देखते हैं दो रेगुलर है लैंग्वेज को हमने दो अल्फाबेट के जरिए डिफाइन करना है सिग्मा इज इक्वल टू ए कॉमा बी अब उन्होंने इन दोनों लैंग्वेजेस के लिए दो कंडीशन दे दी है एक ये कि एल वन जो लैंग्वेज होगी वो उसमें दो ए होने चाहिए डबल ए होना चाहिए और जो एल टू लैंग्वेज है

तो एक निचल और एक फाइनल बना ली। अब हमने क्या करना है लैंग्वेज को जो है कंडीशन पूरी करनी है कि जिसमें डबल ए होना चाहिए तो हम पी से क्यू की तरफ जाएंगे तो एक ए हो गया हमारे पास क्यू से फाइनल स्टेट की तरफ जाएंगे तो दूसरा ए हो गया हमारे पास तो ये हमारी पहली कंडीशन पूरी होगी लैंग्वेज ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग इवन नंबर्स ऑफ एवन नंबर दूसरी दूसरी भी हमने पूरी करनी है उसके लिए हम एक और डायग्राम बनाएंगे लेकिन ये मैंने खुद से ड्रा किया लेकिन मैं आपको जो एग्जाम्पल वाली है वो दिखाती हूँ ये देखें सबसे पहले हमने जब भी किसी रेगुलर लैंग्वेज को के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो उसका मतलब ये होता है कि हमने एक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना होता है तो ये मैंने फाइनाइट ऑटोमेटा एल वन का एफ ए वन बना लिया और एल टू का एफ ए टू बना लिया अब एफ ए वन एफ ए वन ये मैं इस एल वन लैंग्वेज का बना रही हूँ जिसके अंदर हमारे पास डबल एट होगा और एफ ए टू में बना रही हूँ जिसके अंदर पास इवन नंबर्स होंगे ठीक है है तो ये L1 का है, जिसमें हम पी से क्यू की तरफ गए तो पास A के आ गया और तो तो मुश्तमिल होनी चाहिए अब हमने उसके बाद है, हमने दूसरा टू बनाना है तो उसके लिए उसने कहा था कि इवन होने चाहिए यानी पहले हम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट की तरफ गए वन और टू दो स्टेट्स बना ली थी हमने उसके बाद अब वहीं से वापस हम उसी स्टेट पर आए तो हमने ये दूसरा यानी ये दो इवन आई एस के ऊपर मुश्तमिल है दोनों तरफ हमने लूप इसलिए लगाई है कि पहले वो ए जा रहा है फिर वहाँ से वापस आ रहा है तो यहाँ पे जो है वो आ, लूप लगा दिए हमने ए से बी की तरफ गया और बी से फिर वापस आपको पता है कि जब सर्कुलर फॉर्म में वापस उसी फॉर्म जगह पे आती है तो हम उसके ऊपर लूप लगाते हैं ठीक है थीके? उसके बाद हमने क्या करना है जब भी हम एफ ए बनाते हैं तो हमें कोई क्वेश्चन मिलता है रेगुलर लैंग्वेज का तो हम सबसे पहले उसका एफ ए बनाते हैं यानी अलग अलग से जैसे कि हमने हमें ये दो कंडीशन नहीं हुई थी एल वन की और एल टू की तो ऑब्वियसली इसके लिए हमने एल वन का अलग से एफ ए बनाना था और एल टू का अलग से तो हमने ये वाला बना लिया एफ ए वन और एफ़ टू अब हमने जो बनाए हैं जो हमारे पास एफ ए पड़े उसको हमने रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना है ये हमने मिड में सीखा हुआ है कि जब हम एफ ए बना लेते हैं तो उसको रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो इनके कोरोस्पॉ या रेगुलर एक्सप्रेशन इस तरह से होंगे कि जो हमारा आर वन है यानी एल वन है उसको हम लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्टार डबल ए ए प्लस बी का होल स्टार अब मैंने आपको बताया था कि जब अब किसी भी चीज़ पर लूप लगती है तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं ए प्लस बी होल का स्टार यानी कि ब्रैकेट्स में बंद और ऊपर स्टार लगा दिए तो ये आप देखें ये क्या था इसके ऊपर लूप लगी हुई है ना और इसके ऊपर भी लूप लगी हुई है तो दोनों साइड्स ए प्लस बी होल का स्टार और फिर इधर से बी ए प्लस बी होल में ये दो ए लगा देना देखे ए प्लस बी होल का स्टार लगा दिया और दूसरी तरफ भी मैंने ए प्लस बी होल का स्टार लगा दिया और दरमियान में दो ए लिख दिए ठीक है ये दोनों ये साइड्स पे जो दोनों ए प्लस बी होल का स्टार लिखे हुए हैं ये दोनों किसको शो कर रहे हैं लूप्स को फिर आप फाइंड करना है यहाँ पे ये वाला साइन नहीं आएगा ये मुझे लगा था कि शायद पावर है तो सॉरी ये सिर्फ आर टू ही आएगा जैसे कि वो एल वन और एल टू है तो आर टू हम ए, इस तरह से लेंगे बी ये उन्होंने ये है ना एग्जाम्पल जो नोट में ना उन्होंने आर टू इस तरह से लिखा हुआ लेकिन मैं इसको इस तरह से नहीं लिखूंगी क्योंकि इस तरह से थोड़ा कॉम्प्लीकेटेड हो जाता है मैं इस तरह से आर टू लिखूंगी टू तो बी का स्टार क्यों बी का स्टार मैंने लिया है बिकॉज मेरे इस बी के ऊपर लूप लग रही है पहले चीज उधर जा रही है और फिर वहीं से वापस आ रही है इसलिए मैंने यहाँ पे लूप लगा के उसको बी का नाम दे दिया तो मैंने इसको सॉरी फिर मैंने इसको क्या किया सॉल्व इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हुए मैंने बी का स्टार लिख दिया फिर प्लस ए लिख दिया ठीक है अब देखें ये वाला प्लस ए हो गया फिर बी के ऊपर लूप है तो हम फिर बी का स्टार बना देंगे फिर ये वापस आ रहा है तो फिर हम ए लिख देंगे तो इस तरह से हम देखे एक्सप्रेशन इस तरह से लिखना बहुत ईजी है बी का स्टार प्लस ए प्लस बी का स्टार और प्लस ए ये ए जा रहा था ये ए वापस आ रहा है और ये बी और ये बी ये दोनों लूप्स को शो कर रहे हैं जो हमने उस डायग्राम के ऊपर लगाई है अब तीसरी चीज ये हो गई कि जब भी हम Uh, मैं पहले सबसे पहले हमें एक रेगुलर एक्सप्रेशन की एग्जांपल जो यहाँ क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले हम उसका एफ ए बनाते हैं एफ ए बनाने के बाद हम उसको रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखते हैं थर्ड चीज़ जो है हम उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और कॉम्प्लीमेंट लेना मैंने आपको सिखाया हुआ है ठीक है उसके बाद है फिर से मैं आपको बताती हूँ देखिए नाउ एफ एक्सेप्टिंग एल वन कॉम्प्लीमेंट एल टू बाई डेफिनेशन में भी तो जब हम कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं ये सी कॉम्प्लीमेंट को शो करता है और जब हम कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं तो उसका रूल ये होता है कॉम्प्लीमेंट बनाने का कि जो हमारी फाइनल स्टेट है उसको नॉन फाइनल स्टेट्स बना दिया जाए ठीक है जो हमारी फाइनल स्टेट्स होती हैं उसको नॉन फाइनल स्टेट्स बनाना अब सबसे पहले हमारी ये ओल्ड स्टेट्स है ना तो इसको हमने एक टेबल के फॉर्म में लिख लेना है ये वही एग्जाम्पल है ये वाली ये दोनों डायग्राम्स मैंने इकट्ठी करके वहाँ पे ले गई हूँ ठीक है वेली अब आपने क्या करना है देखें ये टेबल मैंने किस तरह से बनाया ये आगे टेबल में सारा इकट्ठा करूंगी ना तो आपको समझ आ जाएगी अब ये देखें सबसे पहले हमने z1 z2 z3 z4 z5 और z6 सिक्स जो है हमने इसकी स्टेट्स निकाल ली है इसलिए हमने z1 की वैल्यू कैसे p और 1 आई, देखें ये p है और ये 1 है दोनों के इनिशियल स्टेट्स को हमने नाम दे दिया Z1 का Z1 वन इज इक्वल टू पी ये वाला P और ये वाला वन समझ आ गई ठीक हो गया उसके बाद Z2 टू देखें जेड को हमने क्या कहा P2 Z2 क्या है P2 ठीक है पहले हमने P1 का नाम दिया Z1 को फिर P2 हम देंगे Z2 को Z3 को हम क्या देंगे फिर से देखें पहले हमने पी लिया पी के साथ वन लिया फिर पी के साथ टू लिया अब हम क्या लेंगे हम क्यू लेंगे क्यू से क्यू वन क्यू से क्यू टू ये देखें क्यू वन क्यू टू ठीक हो गया अब हम लेंगे आर आर से आर वन आर से आर टू ये देखें आर कोमा वन आर कोमा टू इस तरह से हमने ये ऑल्ड स्टेट्स हमारी बना ली जो हमें गिवन है हमारे क्वेश्चन में आगे हमें इनकी जो है फाइनल स्टेट्स बनानी है और वो किस तरह से बनानी है वो हम सीखते हैं पहले तो आपको ये आनी चाहिए कि हमने हमारे पास स्टेट्स मौजूद कौन कौन से डायग्राम में तो मैंने आपको शो करा दी फिर से देखें पी ले लिया है पी से पी वन और पी टू जो कि शो कर रहा है जेड वन और जेड टू फिर हमने क्यू ले लिया क्यू से क्यू वन और क्यू टू ठीक है ये देखें क्यू वन और क्यू टू और तीसरा आर वन और आर टू ये वाला आर वन आर टू ये अंदर नाम दिए हुए हैं ये वन ये टू ये पी क्यू आर अब हमने आगे क्या करना है इसके स्टेट्स बने अब हम इस डाइग्राम से टेबल बनाना सीखते हैं टेबल मैंने साथ आपके पास रख लिया है आपको समझ आती रहे अब ये और स्टेट्स तो हमने पीछे डायग्राम में बना ही ली है इसी यही डायग्राम थी पीछे भी ठीक है वो मैंने अलग से इसलिए बताया था ताकि आपको पता हो कि हमारे पास ओल्ड स्टेट्स ये वाली बड़ी बढ़ेंगे अब हमने इन्हीं ओल्ड स्टेट से न्यू बनानी है जब वो ए को रीड करेगी तब ये वाली चीज़ें आएंगी जब वो बी को रीड करेगी तो तब ये वाली चीजें आएंगी अब आप देखें जेड वन जो है वो पी वन है ये पी और ये वाला वन ठीक है अब इसने ए को रीड करना है ठीक है यानी कि ये जब ए को रीड करेगा देखें P जब A को रीड करेगा तो किसके पास जाएगा Q के पास वो Q हमने लिख लिया ये देखें ये Q हमने लिख लिया उसके बाद क्या है P जब ठीक है उसके बाद सबसे पहले फिर से देखें अगेन मैं रिपीट करने लगा P जब ये वाला P P जब Q के पास जाएगा तो वो A को रीड करते हुए जाएगा तो हमने लिख दिया Q फिर यहाँ पे आगे वन है वन जब ये वाला वन वन जब ए को रीड करके जाएगा तो वो क्या होगा टू ये टू हमने लिख दिया और क्यू कोमा टू हमारे को शो कर हमने लिख दिया कि ये जेड फोर को शो कर अब देखें स्टेट यही है अब ये रीड करेगा बी को देखें, पी जब क्यू के पास क्यू से वापिस आएगा देखे देखें पहले पी क्यू के पास चला गया था अब जब वो बी को रीड करेगा तो वो वापस पी के पास आ जाएगा ना तो हमने फिर से ये पी यहाँ पे लगा दिया अब देखें जो वन है जब वन आ, वन जो था पहले ये जो वन था पहले इधर गया हुआ था टू के पास अब उसने रीड करना है बी को जब वो बी को रीड करेगा तो वो वापस यहाँ पे आएगा तो इसीलिए हमने दोनों तरफ लूप्स लगाई थी ना क्योंकि वो बी को रीड कर रहा है तो बी के ऊपर जब वो आ जाएगा वापस तो वो वन को शो करा रहा है तो ये वन हमने यहाँ पे लिख दिया अब आप देखें पी कोमा वन हमारी स्टेट्स के ऊपर कहाँ पे है पी कोमा वन जेड वन को के ऊपर ही पड़ी है तो हमने इसको जेड वन का नाम दे दिया इस तरह से हमने एक स्टेट उठानी है उसको ए के ऊपर रीड करवाना है फिर उसी स्टेट को बी के ऊपर रीड करवाना है तो हमारा ये सारा टेबल बन जाएगा फिर से मैं आपको ये जेड टू भी जो है वो रीड करवा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए देखें पी और टू सबसे पहले पी ने क्या किया है उन्होंने कहा है कि ये पी है तो हम पी के पास चले जाते हैं पी जब ए को रीड करेगा ये ए है ए को रीड करेगा उसके पास जाएगा क्यू के पास क्यू हमने लिख दिया आगे देखें फिर टू है टू जब ए को रीड करेगा तो क्या होगा ये टू के पास चले जाए को रीड करेगा तो ये किसके पास जाएगा वन के पास तो वन हमने लिख दिया क्यू कोमा वन किस को शो करा यहाँ देखें ये देखें क्यू कोमा वन किस को शो करा है जड थ्री को तो हमने यहाँ पे जेड थ्री लिख दिया इसी तरह पी कोमा टू जब बी को रीड करेगा तो क्या होगा पी पी के पास चले जाए जब किसको रीड करेगा बी को ये देखें सॉरी ये देखें पी जब बी को रीड करेगा ये लूप लगी बी को रीड करके फिर से किसके पास आ गया पी के पास ही फिर से देखें लूप लगी हुई ना पी यहां से रीड करता वापस फिर इसी के पास आ गया ठीक है तो फिर से हमने क्या लगा दिया पी फिर देखें ये टू जब जो है बी को रीड करेगा तो क्या होगा देखें टू जब बी को रीड कर किया तो वापस टू के पास ही आया क्योंकि ये लूप लगी लूप तभी लगती है जब एक चीज़ जाए और वापस वहीं उसी जगह पर वापस आ जाए तो हमने टू लिख दिया पी कोमा टू किस को शो कर रहा है देखें पी कोमा टू जेड टू को ही शो कर रहा है तो हमने यहाँ पे जेड टू लिख दिया इसी तरह से हमने ये सारी स्टेट्स बना लेनी है इन सब स्टेट्स को बनाने के बाद हमने जो है वो बनाना है डायग्राम को अब मैं आपको डायग्राम दिखा ये देखें नोट्स के अंदर ये डायग्राम इस टेबल को बनाने के बाद कॉम्प्लीमेंट्स लेने के बाद ये उन्होंने डायग्राम बनाई हुई है बेसिकली आपको इस तरह का डायग्राम का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा लेकिन अगर आ भी जाए टेबल दिया होगा और आपसे कहेंगे कि ये ट्रांजिशन डायग्राम बनाए तो आपने सिंपल है बनाना देखें कितनी स्टेट्स हैं जेड वन जेड टू जेड थ्री जेड फोर जेड फाइव नाम दे दें जेड वन z2 z3 4 5 6 ठीक है एरो आपने बस मिलाते जाने और लूप लगाते यानी एरो कैसे मिलाते जाने है z1 जो है वो z4 को शो कर रहा है तो आपने ये z1 से z4 की तरफ एरो लगा दिया रीड किसको कर रहा था a को a इसके ऊपर लिख दिया फिर देखें फिर z1 और किसको b को रीड करते हुए किसके पास जाता है z1 के पास ही तो हमने z1 के ऊपर लूप लगा दी क्योंकि यहां से रीड करके वहीं पे आता है Z2 देखें Z2 क्या करता है A को रीड करके Z3 के पास जाता है Z2 जो है A को रीड करते हुए Z3 के पास जाता है इस तरह से एरो मिलाते जाए फिर Z2 जब B को रीड करके किसके पास जाता है Z2 के पास ही रीड करके वहीं पे वापस आता है तो हमने उसके ऊपर लूप लगा दें इस तरह से हम इसके डायग्राम बनाते जाएंगे थर्ड चीज़ फिर से मैं आपको बता दूं यही नोट्स में कि ये हमारे पास एक एग्जांपल थी जिसको हमने सॉल्व किया है ठीक है ये वाली जो मैं आपको अभी सॉल्व करवा रही थी ये देखें दो लैंग्वेजेस दी हुई हैं ठीक है थीके? उनकी कंडीशंस दी हुई हैं उसका सबसे पहले हमने एक लैंग्वेज का एफ ए निकाला फिर दूसरी का एफ ए निकाला फिर हमने ए ए एफ का कॉम्प्लीमेंट ले लिया फिर हमने दूसरी का कॉम्प्लीमेंट ले लिया जब हमने कॉम्प्लीमेंट लिया तो इसका मतलब ये होता है सॉरी पहले हमने एफ ए बनाया फिर एफ ए टू बनाया यानी फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया फिर हमने उनको रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखा फिर हमने उनका कॉम्प्लीमेंट लिया कॉम्प्लीमेंट लेने का मतलब होता है कम्प्लीमेंट की डेफिनेशन है कि जो फाइनल स्टेट है उसको नॉन फाइनल बना दो और जो नॉन फाइनल है उसको फाइनल बना दो हमने क्या किया यहाँ पे पी नेगेटिव था तो यहाँ पे हमने उसको पॉजिटिव बना दिया नेगेटिव के साथ और यहाँ पे जो है आर पॉजिटिव था तो आर के साथ कुछ भी नहीं है यानी कि जो इनिशियल थी वो फाइनल बन गई और जो फाइनल थी वो इनिशियल बन गई फिर यहाँ पे देखें इसका कॉम्प्लीमेंट लेना था यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों थे तो हमने इसको जस्ट नेगेटिव बना दिया यहाँ पे टू के पास कोई स्टेट नहीं थी तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव साथ लगा लिया यानी कि उल्ट करना जो इनिशियल स्टेट हो उसको फाइनल बना देना और जो फाइनल हो उसको नॉन फाइनल uh, बना देना तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाता है उसके बाद कॉम्प्लीमेंट के बाद हम इस तरह से उसका टेबल बनाते हैं टेबल बनाने के बाद हम ट्रांजिशन डायग्राम बनाते हैं इतना लेंथी क्वेश्चन कोई भी आपको नहीं देगा वो सिर्फ आपसे ये कहेगा इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि वो आपको दो लैंग्वेज दे दे और इससे कहेगा आप इसका फाइनाइट ऑटोमेटा बनाए तो आप ये इस तरह से बना सकते हैं या आपको ये फाइनाइट ऑटोमेटा दे, दे देगा और कहेगा इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखे वो इस तरह से आप लिख देंगे या आपको इस तरह से ये सिर्फ फाइनाइट ऑटोमेटा की ये दोनों डायग्राम दे देगा दे और कहेगा इसका कॉम्प्लीमेंट लें तो आपने जस्ट फाइनल स्टेट को नॉन फाइनल और नॉन फाइनल को फाइनल स्टेट बनाना है यहाँ आपको इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि वो आ, आ, टेबल दे देगा दे और कहेगा ट्रांजिशन डायग्राम बनाए या फिर वो आपको डायग्राम दे देगा और कहेगा किसका टेबल बनाए तो इसका मतलब ये होता है कि कौन सी चीज़ किस को रीड करके किसके पास गई तो ये आप इजीली बना सकते हैं उसके बाद ये वाला लेक्चर होता है हमारा खत्म क्योंकि ए, इसमें वही चीज़ें बार बार भी लेकिन मैंने इसमें के अंदर कुछ चीज़ें ऐड की हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सॉरी ये वाली है देखें कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ लैंग्वेज कॉम्प्लीमेंट लैंग्वेज बनाने के लिए हम दो कंडीशन होती हैं जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन आ जाए कि किस इस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट ले तो इसके लिए दो रूल्स होते हैं एक होते हैं मेक एफ यानी सबसे पहले हमें फाइनल ऑटोमेटा बनाना होता है उसके बाद हमारे पास जो फाइनल स्टेट होता है इसको नॉन फाइनल स्टेट बनाना होता है अब ये एक एग्जाम्पल ही आपको क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में एल बी आर लैंग्वेज ऑफ अल्फाबेट जिसके दो अल्फ़ाबेट हैं पी और क्यू कंसिस्टिंग ऑफ टू वर्ड्स ओनली देखें पी और क्यू ये दो ही वर्ड्स हैं उन्होंने कहा है फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर जितने वर्ड्स होते हैं हमारे पास स्टेट भी उतनी ही होनी चाहिए ये कंडीशन है। फिर वो कह रहा है उन्होंने टवर्ड्स पी क्यू पी और पी डबल क्यू जो है वो बनाएं और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लें सबसे पहले हमने पी क्यू पी बनाना है फिर तो सबसे पहले हम क्या करेंगे नेशनल स्टेट बनाई फिर हमने एक फाइनल स्टेट बनाई पी क्यू पी तो यहाँ पे क्या है पी क्यू पी

सॉरी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक हमारी दोनों कंडीशन पूरी होंगी पी क्यू पी भी बन गया और पी क्यू डबल क्यू भी बन गया अब ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे ऐड की हुई हैं इसका मतलब ये है कि मैंने आपको बताया कि जितने अल्फ़ाबेट होते, है, होते हैं उतनी स्टेट्स होती हैं सिग्मा इक्वल को पी कोमा क्यू दो हैं पी और क्यू तो हर जगह से दो ही स्टेट निकलनी चाहिए एक्स से हमारा पी नि पे निकल रहा था लेकिन क्यू नहीं निकल रहा था तो हमने क्यू बनाने के लिए यहाँ पे आर के साथ इधर को निकाल लिया फिर एक्स टू पे हमारा क्यू निकल रहा था बट पी नहीं निकल रहा था तो हमने पी इधर को निकाल लिया फिर देखें इसके एक्स थ्री के ऊपर तो पी और क्यू दोनों ऑलरेडी बड़े हुए हैं ठीक है दो स्टेट्स जा रही हैं फिर एक्स फोर के ऊपर भी नहीं था तो हमने पी और क्यू दोनों एक ही स्टेट के ऊपर रख के आर की तरफ लगा दिया अब आर्क से हमने दो इसे क्यों नहीं निकाले क्योंकि यहाँ से कोई स्ट्रिंग स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो रहा बल्कि सारे इसकी तरफ आ रहे हैं तो इस तरह से हम जो है वो फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते हैं उसके बाद देखे अभी मैंने सिर्फ एक नोट लिखा है कि फाइनाइट ऑटोमेटा में लूप कभी नहीं आ सकता क्योंकि अगर लूप आएगा तो वो इनफाइनाइट लैंग्वेज बन जाएगा यानी कि जैसे मेरे पीछे लूप्स लगाती थी कि एक चीज़ जब यहाँ से स्टार्ट हो गए वहीं पर आकर रुके तो हम उसके ऊपर लूप लगा देते लेकिन फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर लूप नहीं लगती ठीक है जब लगेगी तो वो इनफाइनाइट लैंग्वेज बन जाएगी और हर स्टेट से उतने ही अल्फाबेट्स होने ज़रूरी हैं जितने क्वेश्चन में होते हैं यानी जैसे कि मैंने पीछे बताया आपको कि ये एक स्टेट में यहाँ पे दो अल्फाबेट दिए तो एक स्टेट से दो ही अल्फाबेट निकलने चाहिए पी और क्यू ठीक है उसके बाद मैंने आपको बताना था कि एल का जब हम कॉम्प्लीमेंट ले का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो हमारे पास एल की फॉर्म में आपको एम सी क्यू से आ सकता है जब एल के कॉम्प्लीमेंट compliment... का compliment... कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो किसके बराबर होता है तो वो हमारा एल के बराबर होता है ये आपको फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है कि कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या है फिर आपको ये भी पूछा जा सकता है कि एल के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लें सी का सी लें तो वो बराबर होता है एल के एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि है। बहुत इंपॉर्टेंट है अक्सर क्वेश्चन में आ जाता है क्वेश्चन ये क्वेश्चन दो तरीकों से दिया हुआ है एक ये कि दो लैंग्वेजेस हैं हमारे पास एल वन और एल टू रेगुलर लैंग्वेज की ठीक है देन प्रूव दैट एल वन इंटरसेक्शन एल टू इज ऑल्जो रेगुलर अब ये देखें ये क्वेश्चन है और इसके अंदर इंटरसेक्शन पूछा हुआ है जबकि इस नीचे वाला ये वाला भी वही क्वेश्चन है जो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे सिर्फ उसने यूनियन पूछा हुआ है इंटरसेक्शन और यूनियन का डिफरेंस के साथ कोई ये क्वेश्चन आ जाता होता है जिसमें हमने डिमॉर्गनस लॉ को प्रूव करना होता है ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में करवाया हुआ है इसमें एल वन का कॉम्प्लीमेंट यूनियन एल टू का कॉम्प्लीमेंट होल का कॉम्प्लीमेंट यानी इसको पैकेट्स में बंद कर देंगे और एक और कॉम्प्लीमेंट लेंगे ये वाला सी ठीक है अब जब हम इसका यूनियन मालूम करेंगे ये जब ऊपर को खुलता है ना ये वाला साइन ऊपर तो हम उसको यूनियन बोलते हैं तो जब हम इसको ऊपर ऊपर की तरफ लेंगे तो हम क्या करेंगे ये इतने को बंद करके ये वाला सी इसके ऊपर उठा के लगा देंगे तो ये इतना बन गया देखिए एल वन सी वही है ये देखें एल वन सी वही है सिर्फ ये वाला सी बाहर की तरफ यहाँ लगा दिया करके फिर यहाँ पे यूनियन का साइन था यहाँ हमने इसको उल्टा कर दिया साइन को इंटरसेक्शन का साइन बना दिया फिर एल टू सी वही है ये देखें एल टू सी वही है सिर्फ ये वाला सी हमने यहाँ पे लगा दिया कहने का मतलब सिर्फ ये है कि यहाँ पे ये यह पूरा बंद करके एक सी लगाया हुआ है जबकि यहाँ पे ये यह सी अलग अलग दोनों के ऊपर लगा दिया है और यूनियन की जगह हमने इंटरसेक्शन का साइन डाल दिया अब फाइनल इसकी क्या आ गई एल वन इंटरसेक्शन एल टू यानी कि हमने सी सी ख़त्म कर दी है और इसी को एल वन इंटरसेक्शन एल टू आगे लीजिए इसी तरह से हमने यूनियन का सॉरी इंटरसेक्शन का मालूम करना होता है सेम यही फार्मूला होगा फर्क सिर्फ इतना होगा कि यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन होगा जो ये वाला है ठीक है और इन दोनों की जगह उस साइन को उल्टा करके यूनियन बना दें यूनियन की जगह इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन की जगह यूनियन ठीक है और बस यही हमारा आज का लेक्चर था थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल अल्लाह